हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलो मेरे साथ इवनिंग वॉक पे चलते हैं। हमारे अपार्टमेंट में ना बहुत ग्रीनरी है, बहुत चारों तरफ ग्रीनरी है, इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप लोग ना जहाँ पे रह रहे हो उस जगह पे ग्रीनरी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे ना बहुत फ्रेश फील आता है, सब मूड अच्छा हो जाता है, लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है। सो इम्पॉर्टेंट है, इसको कभी भी नज़रअंदाज मत करना। कहीं पर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए रह रहे हो ना, तो उसमें ग्रीनरी होना बहुत इम्पॉर्टेंट। आ गई हूँ मैं घर वापस, और अभी मैं बनाऊंगी रात की सब्जी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जी है, जो बंगालीज लोगों का बहुत फेवरेट होता है, इधर पे कम मिलता है, कोचूर लोती। सो पहले उसको कैसे काटते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। चलो दिखा दूँ। और आ गई है मैडम। नहीं आई थी, हम लोग जब वॉकिंग कर रहे थे तो एक्चुअली ना मेरे फोन में एक प्रॉब्लम हो रहा है। दोनों का ही सेम ऐप है, पर उसके ऐप से ना एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है कि आप ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। मेरे ऐप से सेम ऐप पे कैसे ऐसे डिफिकल्ट हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि एक ऐप में दिखा रहा है कि एक ऑप्शन है और दूसरे के फोन में उसी ऐप में वही ऑप्शन नहीं है। रात को एक्सपर्ट लोग आएंगे, उनको दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। पहले क्या करना है हमको, इसको कोचू लोती बोलते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पोर्शन रहता है ना, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को पहले हम काट देंगे। उसके बाद ये एक्चुअली क्या है, ये जो पार्ट रहता है ना, इसको हमें छीलना है। तो ऐसे भी आप छील सकते हो, पर ये इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। तब थोड़ा सा एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसी ऐसी से मतलब ऐसे करेंगे ना तो पूरा आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, पूरा तो आता नहीं है, पर जितना हो सके आपको पूरा छील लेना है। नहीं तो क्या होता है, ये थोड़ा सा हार्ड जैसे होता है और मुंह में चिपक जाता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हमको ये करना पड़ेगा। अरे बाप, मुझे डेढ़ घंटा लग गया, पता है डेढ़ घंटा लग गया इतना करने में। ओ बाप रे, अब इसको मैं बॉयल करूंगी। इसको मैंने 15 मिनट तक ऐसे उबाल लिया है और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। देखो आप कलर देख के लग रहा है कि ये बॉयल हो गया है, फिर भी आप ऐसे एक बार चेक कर सकते हो। देखो पूरा गल गया है, और मैंने छोटा सा एक इमली का टुकड़ा दिया था, क्योंकि कभी कभी ना इन सारे चीज़ों में गले में खुजली होता है, तो इमली या तो कुछ खट्टा डालने से वो चांसेस नहीं रहता है। तो पहले इस पानी को पहले मैं फेंक देती हूँ, और इधर पे मैंने थोड़ा सा 7-8 गार्लिक घिस लिया है, 3 छोटे साइज का अनियन चॉप कर लिया है, और एक बड़ा सा टमाटर को चॉप कर लिया है। कढ़ाई में मैंने पहले डाला है थोड़ा सा सरसों की तेल, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है वो ज़्यादा लगता है। इसके अंदर मैं डालूंगी क्रश्ड गार्लिक, यहाँ पे मैंने 7 गार्लिक लिया था मीडियम साइज का, और गार्लिक को पहले फ्राई करूंगी लाल करके। तो
गार्लिक मेरा लाल करके फ्राई हो गया था तो मैंने डाल दिया है अभी अनियन को। अनियन भी मेरा लाल करके फ्राई हो गया था तो मैंने टमाटर भी डाल दिया है, इसको भी मैं 1 सेकंड तक ऐसे फ्राई कर लूंगी। टमाटर भी एक मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने बॉइल्ड कोचूर लोटी को भी डाल दिया है। अभी मैं और 1 मिनट फ्राई करके इसके अंदर थोड़ा सा सूखी मसाला ऐड करूँगी। और कोचूर लोटी को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के ही बॉईल किया था तो नमक टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा। सो डाल दिया है मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक की ज़रूरत थी तो नमक भी डाल दिया है। अभी इसको हमें 5 मिनट तक कुक करना है जब तक कि ना ये जैसे डो जैसा बन जाए, एक फॉर्म में आ जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है, कुक करना है। ये बनके रेडी हो गया है, मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा, देखो थोड़ा थोड़ा गल के ना एक साथ मिक्सडअप होने लगा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे करो, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल है, थोड़ा सा मिक्सडअप हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ऐसा लंबा लंबा रहेगा, ऐसे ही अच्छा लगता है। बस इट्स रेडी। फटाफट मैं अभी रोटी बना लेती हूँ। ओह माय गॉड, मैं थक गई हूँ, इतना टाइम लगता है। एक्चुअली मम्मी जब मुझे देती है ना कोचूर लोटी, उधर पे ना काट के देते हैं, वो वाला देती है ना, तो काटने में इतना टाइम लगता है ना, इसीलिए कोई नहीं बनाना चाहता है। मेरा फेस पूरा स्वेटिंग हो गया, कैसा अजीब सा दिख रही हूँ। फिलहाल अभी मैं लीजा के घर में जाती हूँ क्योंकि उसके फ़ोन से मुझे ग्रॉसरी ऑर्डर करना पड़ेगा, तो अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। मतलब मन ही नहीं हो रहा है कि ग्रॉसरी खरीदने जाओ, और ऊपर से अनिर्बन को इतना रात हो जाता है ना, तो उसके साथ भी मैं नहीं जा सकती हूँ अकेला, उतना लेके आना मतलब। चलो चलती हूँ मैं, आके मिलूंगी मैं। गुड मॉर्निंग, कल रात को मैंने व्लॉग एंड में ही किया था। अभी ना क्या है, सुबह को क्या हुआ था, अलार्म जब भी बजता है ना, मैं हर एवरी डे जब भी विंटर आता है ना, मैं एक काम करती हूँ, और वो काम ये है कि सुबह उठ के मैं अलार्म को ऑफ करती हूँ और बोलती हूँ ओके गूगल प्लीज सेट अ अलार्म आफ्टर 10 मिनट्स। ये मैं बहुत करती हूँ। गूगल असिस्टेंट को मैं बहुत काम कराती हूँ उससे, बस दिन भर बहुत काम कराती हूँ, इसको मैसेज करो, उसको कॉल करो। एक बार ना मैं ऐसे यूं ही बोर होती हूँ ना, तो गूगल असिस्टेंट के साथ बात करती हूँ। एक बार मैंने ऐसे पूछा था ओके गूगल डू यू लव मी, तो आवाज़ आया आई एम टू बिजी फॉर रोमांस। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, फटाफट बनाने वाला कुछ ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा, देर हो गया है। वैसे खाना उतना प्रेशर नहीं है, खाना मैंने कल जो बनाया था ना वही रह गया था, तो उसी से हो जाएगा। ओजीवा पीनट बटर में 15 मिनरल्स एंड विटामिन्स रहते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ रहता है, इसमें नो एडेड शुगर है, नो प्रिजर्वेटिव है, नो ट्रांजिट फैट है, और लैक्टोज फ्री भी है ये।
चीज बताना तो मैं भूल ही रही थी हर एक व्लॉग में, वो ये है कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको बोला था कि मैं एक गिव अवे कॉन्टेस्ट करने वाली हूँ। सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे अपना यूनिक कुछ रेसिपी का पिक्चर भेजिए और उनमें से मैं कुछ लोगों को चूज करूंगी जिनको मैं गिव अवे गिफ्ट भेजूंगी। और उनमें से मैंने 3 लोगों को चुना है। एक टिया तिवारी, उन्होंने एक चीज बनाई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका कॉन्सेप्ट। उन्होंने एक बर्गर जैसा बनाया था इडली से, इडली बर्गर था, दोनों साइड पे 2 इडली था और बीच में से जैसे बर्गर में हम लोग डालते हैं ना पैटी और क्यूकम्बर स्लाइसेस ये सब डाला था सॉस डाल के। मुझे उनका रेसिपी का जो थॉट था ना वो बहुत अच्छा लगा था, मैं भी वो बनाऊंगी फॉर श्योर, आपके साथ शेयर करूंगी। सो वो थे पहला। सेकेंड था अनामिका शानल, उन्होंने एक रेसिपी बनाया था प्रिंटेड पाटी शप्टा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पाटी शप्टा मेरा बहुत स्पेशल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाटी शप्टा मतलब पैनकेक, उसमें प्रिंट था रेड और रेड शायद उन्होंने कुछ जेली वगैरह से किया होगा और ब्लैक भी प्रिंट था वो शायद उन्होंने किया होगा चौको सॉस से। मैं उनसे पूछ के आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो रेसिपी। और थर्ड विनर है तुलिका बैनर्जी, उन्होंने कुछ अलग रेसिपी नहीं बनाया, बहुत ही कॉमन सा रेसिपी बनाया, पर उनको मैं चुनती हूँ क्योंकि उन्होंने ना बहुत अच्छे से गार्निश किया था। उन्होंने दोई बोड़ा बनाया था, उसको अनार से गुलाब से बहुत अच्छे से डेकोर किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका थर्ड। सो इसीलिए थर्ड विनर है तुलिका बैनर्जी। सो मैंने सोचा था मैं एक प्रॉपर व्लॉग में इन तीनों का ही नाम डिक्लेयर करूंगी एंड इन तीनों को मैंने क्या क्या गिफ्ट भेजा है वो भी शेयर करूंगी, पर 2 लोगों को गिफ्ट मिल चुका है और एक को नहीं मिला है। उन्होंने पिन कोड पहले मुझे गलत दिया था तो दैट्स वाई चेंज करना पड़ा था, तो उसी लिए जो है उनको शायद टाइम लग रहा है, तो उनको मिल जाए उसके बाद मैंने इन तीनों को क्या क्या गिफ्ट भेजा है वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आपको एक चीज दिखाओ, देखो Oh my God! 3 दिन, बस 3 दिन मैंने कपड़े को फोल्ड नहीं किया था। ये चेयर भर के अभी टेबल में भी उठा के रख दिया कल रात को। क्या हुआ था कि 2 दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे वैसे सर्दी हो गया था तो 2 दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था और 2 दिन मुझे 2 दिन नहीं और 1 दिन मुझे टाइम नहीं मिला था। 3 दिन में ना कितना सारा कपड़ा हो गया है। एक्चुअली ना क्या है कि हम लोग एवरी डे बहुत सारे कपड़े धोते धोना पड़ता है क्योंकि मैं रात को एक नाइटी पहन के सोती हूँ, फिर सुबह उठ के नहाने के बाद जो पहनती हूँ वही पहन लेती हूँ, फिर मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रनिंग करती हूँ तो थोड़ा सा स्वेटिंग होता है उसमें, उसको भी मैं छोड़ के और एक कपड़ा पहनती हूँ। अनिर्बान का रेगुलर का ऑफिस का कपड़ा रहता है, चादर वगैरह रहता है, कुशन्स कवर रहता है, तो बहुत सारे कपड़े एवरी डे हम लोग धोते हैं, तो इसीलिए ना 2-3 दिन अगर मैं कपड़े को फोल्ड ना करूँ ना तो ऐसा हालत हो जाता है। इसमें से ना कुछ चीज़ों को एक्चुअली प्रेस भी करना है तो इसीलिए मैंने फोल्ड नहीं किया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था तो ऐसे समझ के मैंने रख दिया था। तो देखो कितना हो गया है। जो लोग हाउसवाइफ होते हैं ना उनको ही पता है यार काम का प्रेशर क्या होता है, एक दिन काम ना करो तो इतना जम जाता है। अभी 3 दिन बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है ओह माय गॉड इतना करना पड़ेगा, इससे अच्छा था कि मैं बीमारी में भी काम कर लेती यार। सो इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ क्योंकि बहुत सारा काम मुझे अभी खत्म करना है। सो नेक्स्ट मैं ना और एक अच्छे व्लॉग के साथ मिलूंगी, एक सरप्राइज वाला व्लॉग आएगा अच्छा वाला, सो उसके लिए वेट करो। बाय बाय, टेक केयर।